नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं माधवी, और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व पार्षद किशोर सेठ के सोने चांदी के आभूषण की दुकान से एक महिला ने की उछक्का गिरी। कबीरचौरा क्षेत्र में महिला को झांसा देते हुए दो युवकों ने सोने चांदी के आभूषण उतरवा कर हुए फरार। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। और परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। पूर्व पार्षद किशोर सेठ की सोने चांदी के आभूषण की दुकान से एक महिला ने उचक्का गिरी की। भाजपा के महानगर मीडिया प्रभारी और पूर्व पार्षद किशोर सेठ के सोने चांदी के आभूषण की दुकान से एक महिला द्वारा उचक्का गिरी किए जाने का मामला सामने आया। दारानगर निवासी किशोर सेठ ने बताया कि उन्होंने 2 माह पूर्व सलारपुर तिलमापुर रोड स्थित राधे कृष्ण ज्वेलर्स के नाम से सराफा की दुकान खोली है, जिसका संचालन उनके पुत्र अमन सेठ द्वारा किया जाता है। सोमवार की शाम लगभग 5 बजे एक अज्ञात महिला उनके प्रतिष्ठान पहुंची और उसके द्वारा सोने की एक जोड़ी बाली, जिसका वजन लगभग 2 ग्राम है, जिसकी कीमत 14,000 रुपये है, उसकी उचक्का गिरी की गई। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र अमन सेठ दुकान पर बैठा था। लगभग आधे घंटे तक महिला ने अपनी बातों में उलझा कर रखा। उसने पहले चांदी के सामान देखे, बाद में सोने के लॉकेट, बाली इत्यादि सामान देखा, लेकिन कोई भी सामान महिला द्वारा लिया नहीं गया और वह चली गई। अमन को संदेह होने पर उसने CCTV फुटेज चेक किया, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि महिला बहुत ही चतुराई से बाली को एक पन्नी हाथ में दबाकर नीचे रखा और उसे पर्स में डाल लिया। किशोर सेठ ने सराय मोहाना चौकी पहुंचकर मामले के संदर्भ में प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की। कल शाम को लगभग 5 बजे मेरे दुकान पर मेरा बेटा अमन सेठ बैठा हुआ था। एक महिला आई और लगभग आधा घंटा तक उसको दुकान से सामान, चांदी के सामान, सोने के सामान देखी है और आधा घंटा के बाद कुछ नहीं ली है, मगर सोने के बाली और लॉकेट एक साथ जब देख रही थी तो मेरे लड़के को कुछ डाउट हुआ कि लग रहा है कि कुछ ले गई है। उसके जाने के बाद CCTV फुटेज जब चेक किया उसने, तो उसने लगभग 2 ग्राम वजन का सोने का एक जोड़ी बाली उसमें कम पाया गया है, और इसका घटना का तहरीर आज सराय मोहाना चौकी पर जो सारना थाना के अंतर्गत दे दिया गया है। कबीर चौरा क्षेत्र में महिला से दो युवकों ने सोने चांदी के आभूषण उतरवा कर फरार हो गए। मैदागिन स्थित कंपनी बाग में किरण देवी नामक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला प्रतिदिन टहलने जाती थी। आज भी वह रोजमर्रा की तरह टहल कर सुबह 9:15 बजे घर लौट रही थी कि तभी कबीर चौरा पहुंचते ही दो अज्ञात युवक मिले और उन्हें भ्रमित करके उनका जेवर, जिसमें 4 सोने की चूड़ी, कान का टप सहित अन्य कीमती सामानों को उतरवा लिया और भाग खड़े हुए। जब किरण देवी ने यह सूचना अपने परिवार को दी तो उनके पुत्र मनीष वर्मा और रोहित ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया। थाना चेतगंज में भी सूचना देकर पीड़ित परिवार ने उचित कार्रवाई की मांग की। मेरी माँ सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए मैदागिन के पास गई थी पार्क में। लौटने समय माता जी का सामान, मतलब कुछ 4 गो लड़के थे, मतलब भ्रमित करके मेरी माता जी से सामान ले गया है। मैं इनका रिपोर्ट पुलिस को दे चुका हूँ, सूचना दे चुका हूँ। वो जेवर में माँ का मेरे पास 4 गो चूड़ी है, एक चैन है, 2 कान का है और दो 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 सोना का अंगूठी है, 2 चांदी का अंगूठी है,
उत्तर प्रदेश पुलिस से अनुरोध है कि मेरी माँ का जल्द से जल्द जो सामान मुझे हुआ है जल्द से जल्द देने का कष्ट करे। हाँ हाँ, पुलिस को दे चुके, चेतगंज वाले पुलिस को हम दे चुके, मैं अपने हिसाब से जो भी है अपने पुलिस को दे चुके, और उत्तर प्रदेश की पुलिस से अनुरोध है कि जल्द से जल्द मेरी माता स्त्री का सामान जल्द से जल्द बरामद करने का कष्ट करे। माल से मतलब जो है सब गिफ्ट आइटम, मतलब तीन चार लाख, मतलब जो है गिफ्ट पापा का कुछ दिया हुआ है उसका क्या है, गिफ्ट में पापा का सही है उसका कोई अनमोल नहीं उसका दाम। यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द मेरी माँ का सामान बड़ा। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में जागरूकता अभियान चलाया गया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के लिए गए निर्णय के क्रम में निदेशक यातायात एवं सड़क सुरक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेशानुसार पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी व पुलिस उपायुक्त यातायात वाराणसी के निदेशन में अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के बच्चों हेतु एक जागरूकता अभियान के तहत कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के वयस्क बच्चों को वाहन न चलाने व चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई के रूप में अभिभावक को होने वाली विधिक प्रक्रिया के विषय में बताते हुए यातायात पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के यातायात निरीक्षक कृष्ण प्रताप यादव, उप निरीक्षक यातायात नारायण सिंह ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। यातायात नियमों के पालन करने हेतु तथा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाने व सड़क दुर्घटना होने पर एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने की सभी से अपील की गई तथा विद्यालय के आवागमन के समय अल्प यातायात जाम से निजात पाने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य व स्टाफ से मिलकर चर्चा की गई। अंत में कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता बैनर्जी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सहयोग प्रदान करने के लिए कहा गया और बच्चों को यातायात नियमों के पालन करने के लिए प्रेरित किया। सहयोग के रूप में यातायात कर्मी TSI दिनेश पांडे व राम मूरत राय उपस्थित रहे। आपका दिया उस समय के लिए भी हम इस विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य का कामना भी करते हैं कि आप और इसके साथ परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। वाराणसी में ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और नियमावली के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। शिक्षकों का कहना है कि ऑनलाइन अटेंडेंस मनमानी है, इसके खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों के हंगामे को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों कर्मचारियों की डिजिटल अटेंडेंस लगाने की व्यवस्था का व्यापक स्तर पर शिक्षकों ने विरोध जताया। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताते हुए आह्वान किया था, जिसके बाद शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। वहीं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने ऑनलाइन हाजिरी का विरोध किया। शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों का कहना था कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और दूसरे कर्मचारियों को हर महीने के दूसरे शनिवार को अवकाश, 14 CL, 31 अर्जित अवकाश दिए जाते हैं। ऑफिस आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, इसके बाद भी उनकी डिजिटल अटेंडेंस नहीं ली जा रही है। इस बात का प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने इस सरकार का तुगलकी फरमान बताया। सर ये बताइए कि जो ड्यूटी हम लोग की लगा दी जाती है, मान लीजिए 8 बजे से रात में 12 बजे आ जाता है कि आपकी ड्यूटी गंगा पार लग रही है, आपके कोई अधिकारी आया है चले जाइए वहाँ पर, तो हमारी जो सड़क पर ड्यूटी लग जा रही है झंडा फहराने के लिए, तो जब हम बायोमेट्रिक आ गया ये तो फिर हम लोग स्कूल जाकर पहले बायोमेट्रिक लगाएंगे कि यहाँ पर आकर अपनी ड्यूटी संभालेंगे, ये सरकार से मुझे पूछना है। आप हमें वहाँ स्कूल जाने के लिए कह रहे हैं और बायोमेट्रिक और यहाँ ड्यूटी भी लगा रहे हैं, हमारी ड्यूटी आप हर जगह क्यों लगा रहे हैं, ये प्रश्न है हमारा। अटेंडेंस का
विरोध तो नहीं किया लेकिन छुट्टी बढ़ाने की मांग की। हमारा अटेंडेंस का कोई विरोध नहीं है, हम तो विद्यालय जा ही रहे हैं। हमारा ये कहना कि जो आपने ऑन डॉट कर दिया कि 8 बजे मतलब 8 बजे, हमारा टीचर अगर 1 मिनट भी लेट होता है तो आपका ऑनलाइन हाजिरी का पोर्टल बंद होगा, पोर्टल बंद होगा तो उसका वेतन रुकेगा। और ये अव्यवहारिक है, अगर लंका से कोई शिक्षक सिंदूरा जाता है, जरा कल्पना करिए, बारिश का दिन है, 4 महीने बारिश होनी है, कहीं तो रुकेगा, बारिश होगी तो कहीं तो रुकेगा, जाहिर सी बात है उसको लेट होना है। मेरा ये कहना कि आप ऐसी व्यवस्था दे दो, हाफ सीएल दे दो ना, हमारा 14 सीएल उसको आप हाफ कर दोगे तो 28 हो जाएगा, तो साल भर में 28 से ज़्यादा व्यवस्था ऐसी नहीं होगी, हम हाफ सीएल ले लेंगे, अपनी ही सीएल ले लेंगे, आपसे कोई अलग व्यवस्था नहीं मांग रहे। हम कह रहे राज कर्मचारी को आपने 30 सीएल दिया हुआ है, आप 30 सीएल हमको दे दीजिए, आपने यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को कर्मचारियों को आपने पीएल दिया हुआ, प्रिविलेज लीव दिया हुआ, दे दो ना, हमारे को देने में क्या दिक्कत है, देश का सारा काम तो आप हमसे करा रहे हो, सारे काम कौन से ऐसे काम है जो हम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप ये सुविधाएं देने से पहले आप इस ढंग के तुगलकी फरमान जारी करते हैं, उसका समर्थन हम कैसे करेंगे, आप वो व्यवस्था दो, हमें हाजिरी से कोई दिक्कत नहीं, हमारा शिक्षक तो समय से विद्यालय जा ही रहा है। दूसरी चीज, आप ये व्यवस्था ला करके केवल शिक्षक को प्रशिक्षण के घेरे में नहीं डाल रहे हो, आप अपने अधिकारियों को भी प्रशिक्षण के घेरे में डाल रहे हो, आप अपने निरीक्षक को भी प्रशिक्षण के घेरे में, आप अपने पूरी सिस्टम को प्रशिक्षण के घेरे में डाल रहे हो, मतलब आपको आपका दिमाग किस ढंग का काम कर रहा है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे का क्या, ऑनलाइन हाजिरी नहीं देंगे, हमारा ऑफलाइन रजिस्टर चल रहा है, आप लोग विद्यालयों में आइए, रजिस्टर चेक करिए, आप लोग 8 बजे पहुंचे, देखिए अध्यापक नहीं पूछा है, पहुंचेगा अध्यापक, अपने रजिस्टर में साइन करेगा, जैसे अन्य जगह रजिस्टर में साइन हो रही है हमारे रजिस्टर में साइन हो रहे होंगे, लेकिन ऑनलाइन हाजिरी हम पोर्टल से नहीं देंगे तब तक जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। मतलब जीओ की मांग आप लोग, जीओ के जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसका आप लोग मांग नहीं मानेंगे? नहीं, हमारा मांग तो मानने को तैयार है, हमारी 3-4 मांगे आप दे दो, नहीं हमारी जो 3-4 मांगे हैं, पहला आप 30 सीएल दे दो, दूसरा हाफ सीएल दे दो, तीसरा यूनिवर्सिटी के टीचरों की तरह आप हमको पीएल दे दो, ये 3 मांगे आप मान लो, ऑनलाइन हाजिरी देने को हम तैयार बैठे हैं। तो आज हम लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देने आए हुए हैं, जो कि इस संदर्भ में है कि हमारी फेस अटेंडेंस हमारा आज से शुरू हुआ है 8 जुलाई से, तो इसके विरोध में हम लोग नहीं है, हम लोगों का ये है कि जो सरकार ने जो लागू किया है वो ये है कि 7:45 का समय दिया है, और उसके अगर हम लोग 1-2 मिनट भी लेट होते हैं तो हमारी हमारा अपसेंट लग जाएगा, हम दिन भर जो है अनुपस्थित माने जाएंगे और उस दिन का हमारा वेतन जो है वो कट जाएगा। तो हमारा ये है कि भैया अगर आपको ये करना ही है तो सबसे पहले हमारी जो कुछ सामान्य सी चीज़ें हैं, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं उसमें सुधार करें, और हमारे जो विद्यालय होते हैं सर, वो बेसिक जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जो गांव-गांव में विद्यालय होते हैं, शिक्षक बहुत दूर दूर से आते हैं, 40-50 साल बहुत दूर दूर से, उसकी दूरी उस विद्यालय से बहुत दूर है कभी, और उसके साथ कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो सकती है, रास्ते में अगर आ रहा है गाड़ी पंचर हो सकती है, पानी भर सकता है, बरसात का जैसे समय चल रहा है तो पानी भर सकता है, बहुत ही दुर्गम रास्तों से होते हुए शिक्षक स्कूल पहुँच रहा है, अगर ऐसी स्थिति में 1-2 मिनट अगर लेट हो जा रहा है तो उसके आप अपसेंट चढ़ा दे रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ हैं, इसके खिलाफ हैं कि पहले हमें ये चीज़ें सही तरीके से दें। डिमांड्स क्या रहे ज्ञापन में, किन किन बातों का उल्लेख करके ज्ञापन जी? ये है कि हमें पहले हमें ईएल दे सरकार, जो कि हमें ईएल नहीं देती है, हमारा सीएल बढ़ाए, जैसे मान लीजिए हम 7:45 के बीच में अगर हम नहीं अपनी अटेंडेंस नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो उस दिन का तो एक दिन का हमारा सीएल हम चढ़ा पाएँ, लेकिन हमें साल भर में सिर्फ 14 सीएल मिलती है, और उन 14 सीएल में हम पूरे अपनी चीज़ों को मैनेज करते हुए चलते हैं, तो हमारी मांग है कि हमारा सीएल भी बढ़ाया जाए, हमें ईएल मिले, हमें हाफ सीएल मिले, ये सारी मांग है हमारी। ऑनलाइन हाजिरी का बायकॉट हम उपस्थित हुए हैं। क्या दिक्कतें क्या हैं सर? दिक्कतें तो बहुत हैं, अब जैसे जो दूर दराज स्कूल हैं, बीच में रेलवे क्रॉसिंग वगैरह हैं, सड़कें कच्ची हैं, वहाँ पर लोगों को पहुँचने में दिक्कत है, और हम लोग की मांगे भी बहुत सारी हैं, जो शिक्षक संघ के नेता हैं उनसे बहुत सारी मांगे हैं, वो मांगे हैं सर, ईएल है, कैशलेस चिकित्सा है, और बहुत सारी मांगे हैं। सर शिक्षक वैसे भी पाबंद हैं, हर शिक्षक समय से विद्यालय पहुंच रहे हैं, समय से निकल रहे हैं, लेकिन जो अतिरिक्त भार ऊपर दिए जा रहे हैं, और शिक्षक पाबंद पाबंद तो हर जो है सिर्फ कहा जाए बायोमेट्रिक का है सर, बायोमेट्रिक में फेस रिकॉग्निशन है, बार बार बायोमेट्रिक का नहीं हो रहा है, फेस रिकॉग्निशन है, वो भी स्माइल करेगा। बेसिक शिक्षा परिषद का जितने भी ऐप पे हम लोग नहीं है, फेस रिकॉग्निशन। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी न्यूज़ के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नियम उल्लंघन करते हुए एक सिपाही ने विश्वनाथ धाम में गर्भगृह में पहुंचकर वीडियो बनाया।
वाराणसी जिला प्रशासन सावन में बाबा विश्वनाथ के भक्तों की सुरक्षा का खाका तैयार कर रहा है। उधर सोमवार को एक सिपाही ने ही बाबा विश्वनाथ की सुरक्षा में सेंध लगा दी। सिपाही गर्भगृह के अंदर मोबाइल लेकर पहुंचा और उसने वहां की फोटो और वीडियो भी बनाया। मंदिर की लाइव स्ट्रीमिंग से पकड़ी गई सिपाही की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो हड़कंप मच गया। रेड जोन में मोबाइल ले जाने को मंदिर प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के रेड जोन में सिपाही के मोबाइल लेकर जाने पर हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि मंदिर प्रशासन के लाइव फुटेज में सुबह 9:20 पर एक सिपाही कुछ श्रद्धालुओं के साथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है और बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने वाली जलधारी को लांघ कर अंदर पहुंचता है और बाबा को फूल माला चढ़ाता है। दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि सिपाही उसके बाद दूसरी जलधारी भी लांघ कर एक कोने में खड़ा हो जाता है और कुछ ही देर बाद जेब से मोबाइल निकाल कर पहले फ़ोटो और बाद में वीडियो बनाकर मोबाइल को अंदर रख लेता है, फिर श्रद्धालुओं के साथ बाहर चला जाता है। काशी की दो बालिकाओं ने मिस एशिया सीजन 4 जीतकर काशी का नाम रोशन किया। वाराणसी जिले की बेटी सोनाक्षी श्रीवास्तव एवं दिव्यांशी श्रीवास्तव ने मिस एशिया किड सीजन 4 में अपना जलवा बिखेर कर सबका दिल जीत लिया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इन दोनों बालिकाओं ने सिर्फ काशी ही नहीं बल्कि अपने माता पिता और देश का भी गौरव बढ़ाया है। सोनाक्षी श्रीवास्तव ने मिस एशिया किड्स 2024 का खिताब अपने नाम किया। इसके पूर्व सोनाक्षी ने वात्सल्य सोसाइटी एंटरटेनमेंट तथा उत्तर प्रदेश अवार्ड अकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मिस लिटिल स्टार बनारस 2023 का खिताब जीता था। छोटी बहन दिव्यांशी श्रीवास्तव ने न सिर्फ मिस इंडिया इंटरनेशनल किड्स 2024 का खिताब जीता बल्कि बेस्ट टैलेंट 2024 का खिताब भी अपने नाम कर लिया। ग्लैमर प्रोडक्शन के बैनर तले संयोजक और ऑनर एवं बहुचर्चित मॉडल शहबाज खान उमंग श्रीवास्तव द्वारा किड्स मिस एशिया सीजन 4 का ग्रैंड फिनाले महमूरगंज स्थित माहेश्वरी सदन में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य जज की भूमिका में जितेश सिंह, उमंग श्रीवास्तव, आदिल खान, दिशिका सिंह, सोनल श्रीवास्तव थे। फैशन शो में प्रतियोगिता के कई राउंड हुए। बच्चों ने बेबाकी से प्रत्येक प्रश्न का सटीक उत्तर दिया। पूरे देश से प्रतिभागी बच्चों में फाइनल राउंड में पहुंचे 10 बच्चों में 9 वर्षीय सोनाक्षी श्रीवास्तव किड्स मिस एशिया 2024 बनी। वहीं 8 वर्षीय छोटी बहन दिव्यांशी श्रीवास्तव किड्स मिस इंडिया इंटरनेशनल 2024 बनी। पिता नीरज श्रीवास्तव ने अभिभावकों को संदेश दिया कि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम सबको बहुत से त्याग करने होते हैं। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए समाज को आगे आना चाहिए। नमस्ते मेरे सारे देशवासियों, मैं सोनाक्षी श्रीवास्तव मिस एशिया और मिस लिटिल स्टार बनारस की विनर इस बार रही हूँ। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड सेंट जॉन स्कूल में हूँ और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू उमंग सर, सहबान खान सर एंड ग्लैमर प्रोडक्शन, थैंक यू। आगे क्या करने का विचार बनारस का? IAS ऑफिसर। किसका किसका ज्यादा सपोर्ट मिला? मम्मी पापा का कैसा सपोर्ट रहा? मम्मी पापा का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, मेरी बहन का मिला सपोर्ट और मेरे तीन मैम थे, कमिल्या मैम, जिमेरी मैम और अंजू मैम, इन तीनों मैम को बहुत सपोर्ट मिला। अभी तक आप कहाँ कहाँ गए? मैं अभी बहुत सारी फिल्म्स कर चुकी हूँ, मुझे बहुत सारी मंजिल को बुलाया जा रहा है और मैं जो ऑफर्स मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ से ऑफर? बॉम्बे से मिला है, बहुत जगह मिला है, सब्सिडी सभी मिला है। आगे क्या प्लान? अभी काम करना है क्या? IAS करना है। पढ़ाई करना है? हाँ। और फीस वगैरह में? फीस उसी में काम करेंगे। दोनों कैसे मैनेज करेंगे?
कर लूंगी। आदिल खान सर ने बहुत सपोर्ट किया, दीक्षिता मैम ने बहुत सपोर्ट किया और थैंक यू सबको सपोर्ट करने के। मम्मी पापा में से ज्यादा सपोर्ट किया था, दोनों लोगों का, दोनों लोगों का बराबर। हाँ नमस्ते मेरे सारे भारतवासियों, और मेरा नाम दिव्यांशु श्रास्त्र है, मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मेरा जो स्कूल है उसका नाम है सेंट जॉन्स स्कूल BLW और मैं किड्स इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीती हूँ और मैं बेस्ट टैलेंट का भी खिताब जीती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है इसमें और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग उमंग सर, सलमान खान सर एंड ग्लैमर प्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सपोर्टिंग मोनालिसा मैम एंड नेहा मैम एंड जिमेरी मैम एंड कमेलिया मैम। मम्मी पापा कितना सही बहुत ज्यादा था। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए। पापा का नाम नीरज है, मम्मी का नाम सुमन है। आगे क्या करना चाहती हूँ? आगे मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। स्कूल में कितना सपोर्ट सबसे ज्यादा था? स्कूल में सबसे ज्यादा था कमेलिया मैम का, जिमेरी मैम का, मोनालिसा मैम का। बड़ी बहन से आपने क्या सीखा? बड़ी बहन से मैंने बहुत कुछ सीखा था, कैटवॉक सीखा था, क्वेश्चन आंसर सीखा था, इंट्रो सीखा था, बहुत कुछ उन्हीं से सीखा था। उनका भी सहयोग बहुत ज्यादा रहा। सपा सांसद सनातन पांडे ने हाथरस की घटना में भोले बाबा को क्लीन चिट देते हुए प्रशासन और आयोजकों की गलती बताई। हाथरस में हुए कांड के बाद सपा सांसद सनातन पांडे ने बयान दिया। रामगोपाल यादव के बाद सनातन पांडे ने बाबा भोलेनाथ को क्लीन चिट दी और प्रशासन और आयोजकों की गलती से हादसा होना बताया। सपा सांसद सनातन पांडे ने कहा कि मौजूदा भाजपा की सरकार वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर हटते ही सरकार गिर जाएगी, सपा का PDA फॉर्मूला हिट रहा है। वहीं संसद में राहुल गांधी के हिंदू हिंसक बयान पर सफाई दी, कहा भाजपा के संबंध में राहुल गांधी ने बयान दिया था। प्रधानमंत्री के वाराणसी से चुनाव जीतने पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से बमुश्किल जीते हैं, चुनाव के रुझान नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे। आपके बगल में बाबू वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया गया, वो PDA का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। जिस भावनाओं से आप और कहना चाहते हैं, नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि क्या अब इस फार्मूले में ब्राह्मणों को भी शामिल किया जाएगा? इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी ने 5 यादव को टिकट दिया तो 5 ब्राह्मणों को भी टिकट दिया, और जाति आधार पर हमने कमल ठाकुर को भी हमने टिकट देने का काम किया, हमने 5 बिंद को भी हमें टिकट देने का काम, जो बिंद मलाह होती है, मैंने कुशवाहा को भी बगल में आपको टिकट देने का काम किया। इसमें सभी समाज के लोग हैं और सभी समाज को लेकर चलना ही PDA का जो है फार्मूला है। सदन में हिंदू को हिंसक राहुल गांधी जी द्वारा कहा जाता है, बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। मैं सदन में उपस्थित रहा, उन्होंने कहा भाजपा के हिंदू हिंसक हैं, शब्द को तोड़ मोड़ कर करके सदन में पेश करना और उसको आपके द्वारा हाईलाइट करना, या आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने भाजपा के हिंदुओं की बात कहा, उन्होंने सारे हिंदुओं की बात नहीं किया था। इसके लिए जो है तत्कालीन जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, पक्ष विपक्ष दोनों मौजूद था। अगर कोई ऐसा शब्द था जो हमारे कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता था, अच्छा है मैंने कोई ऐसे शब्दों का अल्फाजों का उपयोग किया जो देश हित में नहीं था, तो उस कार्रवाई कम से बाहर कर देना चाहिए था। यह अधिकार जो है सुरक्षित जो है लोकसभा स्पीकर को है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर अयोध्या से मोदी जी लड़े होते तो उनको अयोध्या से लड़ना था, लेकिन वो बनारस चले गए हार के डर से और बड़ी मशक्कत से जीते। उनका कहना हमारे समझ से बिल्कुल सही है। अगर हमारे यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ से भी बड़ी मशक्कत से जीते हैं प्रधानमंत्री जी, हमारे समझ से जो चुनाव का जो रुझान था शुरुआत के दौरों का अगर देखा जाए तो कहीं से नहीं लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री वाराणसी से जीत रहे हैं। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
पूर्व पार्षद किशोर सेठ के सोने चांदी के आभूषण की दुकान से एक महिला ने की उछक्का गिरी। कबीर चौरा क्षेत्र में महिला को झांसा देते हुए दो युवकों ने सोने चांदी के आभूषण उतरवा कर हुए फरार। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। और परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध करते हुए जिला मुख्यालय पहुंच कर किया प्रदर्शन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।